नागपुर कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र मलिक का कहना है कि जिला परिषद और पंचायत समिति के जो पोर्ट चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। 16 में से 10 जगह कांग्रेस लड़ रही थी, 9 जगह कांग्रेस जीत कराई। आघाड़ी की एनसीपी 5 जगह पर लड़ रही थी, 3 जगह जीत कराई और 1 जगह मित्र पक्ष जीत कराया। बड़े पैमाने पर कांग्रेस की जीत हुई है। आज जो जिला परिषद और पंचायत समिति के नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स में इलेक्शंस हुए हैं वो बाई इलेक्शंस थे। बाई इलेक्शंस में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। आज 16 में से 10 जगह कांग्रेस लड़ रही थी, 9 जगह कांग्रेस जीत के आई। हमारी आघाड़ी की एनसीपी 5 जगह लड़ रही थी, 3 जगह वो लोग जीत के आए और 1 जगह हमारी आघाड़ी का दूसरा हमारा मित्र पक्ष 1 लड़ रहा था वो जीत के आए। बड़े पैमाने पर आज कांग्रेस नागपुर डिस्ट्रिक्ट में जीत गए। आरक्षण तो ऐसा हुआ था कि देवेंद्र फडणवीस साहब जब इस राज्य के मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही थी, कोर्ट में केस बराबर ढंग से लड़ी नहीं गई सरकार के माध्यम से, देवेंद्र फडणवीस सरकार के माध्यम से, उस वजह से ये इलेक्शंस लगे और ये इलेक्शंस हमारे समाज के सभी लोगों को ये इलेक्शंस के निकाल के हिसाब से आपको दिख के आएगा रिजल्ट में कि लोगों ने गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पे ओबीसी आरक्षण के अगेंस्ट में निकाला।